सोलन जिला के दारलाघाट स्थित अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री और बिलासपुर जिला के बरवाना स्थित एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में कंपनी का ट्रांसपोर्टरों के साथ विवाद जारी है। इन सीमेंट फैक्ट्रियों के बंद होने से जहां इनमें काम कर रहे कर्मचारियों को रोजगार की चिंता सताने लगी है, वहीं ट्रांसपोर्टर्स को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फैक्ट्री कर्मचारियों और कामगारों को कंपनी द्वारा दिए गए नोटिस में काम पर न आने को कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि जब तक हालात में सुधार नहीं आता तब तक काम पर ना लौटें और अगले आदेशों का इंतजार करें। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार भी सक्रिय हो गई है। मुख्य सचिव आरडी धीमान ने बढ़ते विवाद को सुलझाने के लिए कल सोलन और बिलासपुर के उपायुक्तों को दोनों पक्षों के साथ बैठक कर मध्यस्थता करने और मामले को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस संबंध में कल बैठक भी हुई थी, लेकिन फिलहाल ये बैठक बेनतीजा रही। मुख्य सचिव का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस संबंध में पल पल की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों संबंधित उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी गई है। इस बीच कंपनी प्रबंधन के इस फैसले पर इन दोनों जिलों में अब ऑपरेटरों के अलावा स्थानीय लोगों में भी रोष बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज दारलाघाट में 8 ट्रक यूनियनों की संयुक्त बैठक अंबुजा कंपनी के मुख्य द्वार पर हुई। बैठक के दौरान ऑपरेटर पदाधिकारियों ने कंपनी के इस निर्णय की आलोचना करते हुए इसे कंपनी का तुगलकी फरमान बताया। 1992 में जो एग्रीमेंट हुआ है लैंड यूजर्स के साथ और कंपनी के साथ हुआ है, जिसमें स्थानीय लोगों की सोसाइटीज को प्रायोरिटी पे काम देने की बात हुई है। उसके बाद यदि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी हमारा एक मैकेनिज्म बना हुआ है, एक फार्मूला बना हुआ है। कोई भी किराया वृद्धि होती है उस फार्मूले के तहत होती है। ना मेरा फार्मूला है और ना वो कंपनी का है, वो हिमाचल सरकार के मध्यस्थता में फार्मूला बना है। जब भी कोई रेट बढ़ता है उस फार्मूले के तहत होता है। आज एक बात देखिए, आज ट्रांसपोर्टर को इस बात के लिए हमें दोष दिया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर की वजह से हिमाचल में सीमेंट महंगा है। हमारा किराया 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, तो जहाँ सीमेंट बिक रहा है बन रहा है उसके आसपास भी जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो बिल्कुल नेग्लिजेबल है, लेकिन वहाँ सीमेंट महंगा मिल रहा है। आप परमाणु में जाएंगे, बॉर्डर के जो इलाके वहाँ पे जाएंगे, कालका जाएंगे, वहाँ सीमेंट सस्ता है। तो कैसे आप हमारे को दोष दे सकते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की वजह से सीमेंट महंगा है। गौरतलब है कि कंपनी प्रबंधन माल भाड़ा कम करने की बात पर अड़ा हुआ है, जबकि दूसरी ओर ट्रक ऑपरेटर माल भाड़ा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के अड़ जाने के बाद दोनों ही कंपनियों के प्रबंधन ने खराब वित्तीय हालत का हवाला देते हुए अपनी अपनी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया है।